काउंसलिंग का दौर चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट किया है और अब एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में। कुछ लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, कुछ लोगों ने ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहा है। तो अब उनको कन्फ्यूजन ये है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ब्रांचेस मिल रही हैं उसमें से कौन सी ब्रांच उन्हें लेनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी चाहिए या आईटी ब्रांच लेनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस के साथ अभी कुछ नए टर्म्स भी जुड़ गए हैं, नई ब्रांचेस ओपन हो गई हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो इन सब में चुनाव कैसे करें कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा बेहतर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत ब्रांच चुन लें और बाद में हमको दिक्कत होने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि कौन सी ब्रांच आपको पहले नंबर पर चूज़ करनी चाहिए और देखते हैं आपको कितना फायदा इस वीडियो से होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ब्रांच बेटर है। तो पहले थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा कि इतनी सारी ब्रांचेस क्यों बनी। देखिए, एक दौर था जब मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच में सीट्स पहले फिल हो जाती थी, कंप्यूटर साइंस की बारी ही नहीं आ पाती थी या कंप्यूटर साइंस में सीट्स खाली रह जाती थी। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये सारी ब्रांचेस आपको मिलती हैं कॉमनली, जैसे कई बार बहुत रेयर ब्रांचेस भी होती हैं जो आपको किसी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती हैं, जैसे मेटलर्जी से रिलेटेड है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, नेवल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या हर कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन ब्रांचेस हैं जो लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको देखने को मिलती है। जैसे आपको सिविल ब्रांच मिलेगी, मैकेनिकल ब्रांच मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी और साथ में कंप्यूटर साइंस मिलेगी। ये हमारी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं जिसमें मास एडमिशन लेना चाहता है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले का एक दौर था जब सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा करते थे, फिर जब आईटी का क्षेत्र हमारे भारत में बढ़ा और ज़्यादा जॉब्स इसमें लगने लगीं तो लोगों ने कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफरेंस दिया। ये दोनों ब्रांचेस ज़्यादा हिट हो गई, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग मैकेनिकल और सिविल ब्रांच में भी एडमिशन लेते रहे। कई बार ये भी होता है कि हम मनचाहा कॉलेज लेना चाहते हैं और वहाँ पे हमें हमारे पसंद की ब्रांच नहीं मिलती और तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके ब्रांच दूसरी ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेनी है। अब होता ये है कि पिछले 10-15 साल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो लोग चाहे नॉन कंप्यूटर्स ब्रांच में एडमिशन लेते हैं वो अलग से एफर्ट डाल के, यानी जो उन्हें करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है वो तो उन्हें पढ़ना ही है, उससे अलावा अलग से एफर्ट डाल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं और जब कैंपस प्लेसमेंट की बारी आती है तो वो उन कंपनीज में भी बैठते हैं जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आती हैं, जो उन्हें भी अलाउ कर रही होती हैं, टेक्निकली सभी नहीं कर रही होती हैं लेकिन मैक्सिमम अलाउ कर रही होती हैं। तो वो इन 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखकर ये कोशिश करते हैं कि उनकी जॉब लग जाए और उनके स्किल के बेसिस पे उनकी जॉब लग भी जाती है। यानी अभी की सिचुएशन देखें तो जो ऑन एन एवरेज कॉलेजेस हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2-3 कॉलेजेस की बात छोड़ दें लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस की बात करें जहां पर कैंपस प्लेसमेंट आता है वहां पे जितना भी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं 95% कंपनीज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही आ गई और उनमें सेलेक्ट होने वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का भी है और नॉन कंप्यूटर्स ब्रांच का भी है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो। तो ऐसे में जब स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं, ज़्यादा जॉब्स तो कंप्यूटर साइंस में मिल रही हैं, तो फिर ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया और ज़्यादा बच्चे चाहते थे कि वो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करें। अब इससे होने ये लगा कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उनकी सीट्स लेट फिल होती थी, पूरी फिल भी नहीं हो पाती थी, कई कॉलेजेस में पूरी सीट्स भी फिल नहीं हो पाती थी, तो कॉलेजेस को नुकसान हो रहा था। अब कॉलेजेस वालों ने क्या इसमें दिमाग लगाया, उन्होंने कहा अगर ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स इनटेक ज़्यादा हो जाना चाहिए। नियमों के आधार पे उन्होंने जितना मैक्सिमम इनटेक ले सकते थे वो उतना ले लेते थे, क्योंकि नॉन कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस अभी फिल नहीं हो रही है लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए डिमांड ज़्यादा है, लोग कॉलेज चेंज कर ले रहे लेकिन ब्रांच उन्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो ऐसे में उन्हें समझ में आया कि इसका कोई और तरीका निकालना चाहिए जिससे कमर्शियली भी कॉलेजेस को प्रॉफिट हो सके। उन्होंने ये किया कि
कुछ और नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करी जो कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है। अब उसे कंप्यूटर साइंस तो नहीं बोल सकते हम, ये तो नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर साइंस की दो ब्रांच, ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो हमें उसको एक अलग ब्रांच का नाम देना है। तो यहाँ पर नई ब्रांचेस बन गए, हालांकि कंप्यूटर साइंस और आईटी ये दो ब्रांच तो थी ही, उनमें थोड़ा सा फंडामेंटल फर्क भी है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो उन्होंने ब्रांचेस बना दी कंप्यूटर साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एक और ब्रांच बना दी कंप्यूटर साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑप्शंस मिल पाएँ, कॉलेजेस के पास ज़्यादा सीट्स हों, ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो हैंडल कर सके। तो ये है पहला नंबर वन रीज़न इतनी ब्रांचेस बनने का। अब दूसरी बात जो आपका मुख्य सवाल था कि हमें इनमें से कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए, तो देखिए पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप इनमें से कोई भी ब्रांच ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ऐसा नहीं है कि ये बेटर ब्रांच है ये कमतर ब्रांच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स उसके अंदर सेम रहने वाले हैं। आप जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट्स आपको इधर भी मिलने वाले हैं, कुछ पेपर्स अलग हो सकते हैं, कुछ पेपर स्पेसिफिकली उन्हें बनाना ही पड़ेगा तब तो वो अलग ब्रांच कहलाएगी, तो हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ पेपर्स इंट्रोड्यूस कर दें, वो साथ में मशीन लर्निंग के या डेटा साइंस के कुछ पेपर्स इंट्रोड्यूस कर दें। और जब ग्रेजुएशन लेवल पर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ते हैं, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तक पहुँच ही नहीं पाते, लेकिन जो आप पढ़ते हैं उसका कितना बेनिफिट मिलेगा मैं इस पर डाउटफुल हूँ, क्योंकि चाहे आप कंप्यूटर्स ब्रांच के हों या ना हों आपको कंप्यूटर्स पढ़ना ही पड़ता है और उससे आपका नॉलेज बन जाता है, यानी कॉलेज में करिकुलम में जो लिखा है सिर्फ उतना पढ़ के आप सोचें कि अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा डेटा साइंस आ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि जो इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के अलग रिसोर्सेज से भी नॉलेज हासिल करना है जिससे आप करेंट मार्केट ट्रेंड को मीट कर सकें। इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच ले ली है तो अब तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं से सीखने की जरूरत ही नहीं है और अब आपको कुछ ऐसा पता है जो कंप्यूटर साइंस वाले को नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कंप्यूटर साइंस वाले को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उतना ही नॉलेज हो जितना आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच ली है तो आपको पता है। एक पेपर बढ़ जाने से दो पेपर बढ़ जाने से कोई खास फर्क आने वाला नहीं है, और आप ये भी समझ लें कि जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उसके लिए जिस स्तर से पढ़ाई करनी होती है वो कॉलेज में उस उद्देश्य से नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ही लेना पड़ता है। अब फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब इनमें कोई अंतर ही नहीं है, इससे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको नहीं मिलने वाला है, तो फिर हमें कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जिस क्राइटेरिया को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो ये है कि क्राउड कहाँ बेटर जा रहा है, आपको उसी ब्रांच में एडमिशन लेना है। मेरी समझ से जो मैंने रुझान देखा है वो ये है कि वो पहले कंप्यूटर साइंस की जो प्लेन कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसको देते हैं प्रेफरेंस, और उस ब्रांच में ज़्यादा बेटर रैंक वाले स्टूडेंट्स, ज़्यादा बेटर परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स एंट्री करते हैं, उसके बाद के ब्रांचेस का नंबर उसके बाद आ रहा होता है। इससे होता ये है, देखिए कोर्स वाइज तो मुझे कोई बहुत अंतर नहीं लगता है, लेकिन स्टूडेंट माहौल, आपकी सराउंडिंग कैसी, आपकी संगत कैसी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर आप उन ब्रांचेस को प्रेफरेंस दें जहाँ पर आपको ज़्यादा क्रीम मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट मिल रहा है, तो आप उस ब्रांच को प्रेफर करिए, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो बाकी जगह से बेटर मिलेगा, और जब क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है तो कॉलेज अथॉरिटी मैनेजमेंट भी ये कोशिश करती है कि इनके प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा मेहनत की जाए। तो इसीलिए आपको फ़ायदे जो भी मिल सकते हैं अगर थोड़े बहुत भी, तो वो तब ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर आप क्राउड अच्छा देखकर एडमिशन लेंगे। तो मेरी चॉइस है कि आप कंप्यूटर साइंस प्लेन की तरफ जाएं, क्योंकि क्राउड वहाँ जा रहा है। हाँ, कहीं अगर आपको लगता है कि कल को ऐसा ट्रेंड चेंज हो जाता है कि नहीं वो किसी और ब्रांच की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो हमें क्राउड के साथ जाना चाहिए जहाँ पे क्रीम बैठा है। अगर आप ये सोचें कि
इन सब में इतना फंडामेंटली अंतर होगा कि मेरा पैशन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आप वो ब्रांच ले सकते हैं, करिकुलम वाइज आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि उस करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना कंटेंट है कि आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप उसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली तो भी शायद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे होंगे, मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब जो एरा आ चुका है उसमें हर फील्ड में, जैसे आज से अगर मैं 30 साल पहले की बात करूं, 20 साल पहले की बात करूं, तो कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो ऐसा उस समय समझ में आ रहा था कि इसमें हम इन्वेस्ट करें, इसमें हम लर्निंग करें, क्योंकि हर क्षेत्र कंप्यूटर से बच नहीं सकता, हर क्षेत्र में कंप्यूटर एंट्री लेगा, और ऐसा हुआ भी, हमने देखा कि आज हम टेक्नोलॉजी पे कितने डिपेंडेंट हैं। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और भी जितनी ब्रांचेस हैं, इनमें इतनी रिसर्च चल रही है और इतना अब इसका यूटिलाइजेशन होने लगा है, खासतौर पर मशीन लर्निंग का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, इवन डेटा साइंस का भी, कि आपको ये एलिमेंट्री चीज़ें लगने लगेंगी, क्योंकि ये हर सेक्टर में पेनिट्रेट करेगा। तो आप देखेंगे जितने भी वेबसाइट्स बन रही हैं, जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, उसमें एआई बेस्ड एप्लीकेशंस ज़रूर बन रही हैं, एआई बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो मेरे समझ से ये कोई ऐसी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये सब अभी स्कूल में आ जाएगा, तो स्कूल के बच्चे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री है और ये सब जगह होने वाला है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्कूल में आ चुकी हैं, वैसे ही ये सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। तो ये आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो या नहीं हो, आपको अलग से तो पढ़ना ही। तो आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग जब ब्रांच को चूज़ कर रहे हैं तो इन टिप्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ डाउट रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।